उर्मलिया जी, आप टावर में क्यों चढ़े हुए हैं? मेरा क्या है, 12-13 का जो है तो भुगतान नहीं हुआ, आश्वासन मिला था। मैं जब 13 में लाइन खींच रही थी तो मैं रोक दिया था। इसके बाद में 14-15 में कलेक्टर साहब ने जो है तो आश्वासन दिया था कि जो है तो 12 लाख रुपए टावर, 3000 रुपए प्रति मीटर। मैं अपने यहाँ 4-5 पोल की तारें रोका था, मैं और रामनाथ के यहाँ तक पूरी रुकी हुई थी। इसके बाद में जो है तो आश्वासन मिला कि मिल जाएगा। फिर पावर ग्रेड में पता नहीं कितनी बार गए धक्का दे दे के, अगले साल जो है तो इसी टावर में चढ़ के अपना जो है तो विरोध प्रस्तुत किए। इसके बाद में माननीय SDM साहब सब लोगों ने नीचे उतारा कि आवेदन दो, इसके बाद में सब वहां से निराकरण हो जाएगा। तो आवेदन दिए, आज तक उसका कुछ भी उत्तर नहीं मिले। और इनमें रामनाथ में जो है तो क्या है, कलेक्टर साहब की जो है तो पावती मिली है, उस आधार पर जो है तो आदेश मिला है, उस आधार पर यहाँ पर आए हैं। और काम ना इधर उधर, क्या आदेश में ये बोला गया है कि गाइडलाइन के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए? हाँ, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ब्याज सहित रामनाथ वाले में है, वो हम लोग सब सम्मिलित थे। ये कलेक्टर साहब ने लिखित आदेश दिया है ना? लिखित दिया, कलेक्टर साहब आदेश दिया। रामनाथ जी, आप क्यों चढ़े हैं खम्भे में? मैं चढ़ा हूँ साहब, ये मेरा जो है तो इसका मुआवजा ही नहीं मिला है। अब मुआवजा के अनुसार जो है तो मैं 7 साल से केस लड़ा हुआ हूँ जी। तब 7 साल से लड़ते लड़ते कलेक्टर मुझको आदेश दिया कि रामनाथ तुमको जो है तो मुआवजा दिया जाए और मिलेगा। तब क्या तुम्हारे पास कलेक्टर आदेश की कॉपी है? हाँ, मेरे पास है कलेक्टर की आदेश की कॉपी है। उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, दिखा रहे हैं। यह कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी में दे रहा हूँ। अब फिर कलेक्टर साहब कहें कि जाओ SDO था तुम्हारा निराकरण हो जाएगा, मिल जाएगा मुआवजा। तो फिर SDO साहब मुझको अपने गेट ठाँ से मुझको हटा दिए, कहें कि पहले क्यों हटा दिए SDM साहब आपको? वो पहले मुआवजा के लिए SDO साहब कहें कि मुआवजा तुम्हारा मिला जाता है। अब फिर जब टावर वाले आए, कलेक्टर साहब ने SDM साहब के यहाँ जाने के लिए आपको बोला था? हाँ, बोला था कि SDM साहब लगे जाओ, तुम्हारा मुआवजा उधर मिल जाएगा। तब मैं गया तो मोही SDO साहब देखिन तो कहन कि जाओ यहाँ से हटो, तुम्हारा मुआवजा नहीं मिलेगा। आ तुम पा चुके हो, दोबारा लेने आए हो तो मैं जेल बंद कर दूंगी। तब मैं रहा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।